तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, पलपल इंडिया न्यूज पर आप इस वक्त मुझे यानी प्रखर को देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात होती है किसी भी माता पिता के लिए और उस शिक्षक के लिए, उस गुरु के लिए जो अपने शिष्य को कुछ इस तरह से तैयार करता है, जो हर परिस्थितियों को लड़ने के लिए और अपने मन को, अपने विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए तत्पर रहते हैं। संस्कारधानी में तमाम विद्यार्थी हैं जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। 10th के रिजल्ट अभी हाल ही में CBSE के आए हैं, तो हमारे साथ किंजल हैं CBSE से, इन्होंने 98% प्राप्त किए हैं। तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस वक्त, क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी 2 ही बजे हमारा रिजल्ट आया एंड फिर सर्वर डाउन भी हो गया था, फिर देखा रिजल्ट तो अनबिलीवेबल लग रहा था, बट अच्छा था, बहुत बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जॉयस मोमेंट था बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है कि मेहनत हमारी बहुत होती है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी या एग्ज़ाम देने जा रही थी, उस वक्त आपको लगा था कि इतने परसेंट आ जाएंगे? थोड़ा बहुत था बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। क्या क्या लग रहा था, लगभग कितने परसेंटेज तक आप सोच पा रही थी? 95 के अबव लग रहा था, क्योंकि टर्म वन का और थोड़ा एवरेज समझ आ जाता है ना, तो वही 95 के अबव लग रहा था, एक्सपेक्टेड था थोड़ा था जी। अच्छा, रिजल्ट आज आया है और इसके पहले से जो रिजल्ट लाने के लिए लगातार तैयारी जो लोग कराते हैं, चाहे वो आपकी माँ हों, चाहे आपके गुरु हैं, तो किन किन का योगदान रहा है आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए? ऑब्वियसली सबसे पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहते हैं, सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स बहुत, और एंड फिर टीचर्स मेरे बहुत अच्छा गाइड करते थे, सब बहुत सपोर्टिव टीचर्स थे, जितने भी डाउट्स पूछो वो सब क्लियर करते थे, तो वही सपोर्ट दोनों पेरेंट्स एंड टीचर्स ही मेन हैं। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स और शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक सड़क एक ऐसे होते हैं जो खुद वहाँ होते हैं, वहीं जहाँ पर स्थापित होते हैं, वहीं लोगों को सिखाते हैं, लेकिन अपने विद्यार्थियों को, अपने लोगों को उनकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देते हैं। तो आपने जिस तरह से तैयारी करी, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, कौन सा था? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स। मैथ्स में मेरे अभी 100 out of 100 आए हैं। क्या बात है। अच्छा, अभी चूंकि आपके पापा भी बता रहे थे कि सोशल साइंस और साइंस में भी शायद आपके बेहतर सब्जेक्ट नंबर आए हैं, तो किस में आपने डिस्टेंस, लगभग सभी सब्जेक्टों में आपने डिस्टेंस प्राप्त किया होगा? हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान सोशल साइंस में दिया था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग का पार्ट रहता है। मैथ्स तो कंसेप्चुअल रहता है, ठीक है, तो हो ही जाता है, बट मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान सोशल साइंस में दिया था, फिर साइंस। तो सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा अगर हम बात करें तो? अभी 10th में तो कुछ भी टफ नहीं है। देखिए, जो पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी रहेगी तो ऐसा कुछ भी टफ नहीं लगा मेरे को। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो 1% भी कम आए तो ये कहती हैं कि कम आ गए, जबकि क्लास में पढ़ने वाले बैक बेंचर जो होते हैं उनके 33% भी आ जाएं तो कहते हैं पास हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़े परसेंटेज से रह जाते हैं, या लगातार कोशिश करते हैं उतने परसेंटेज नहीं आ पाते, हताश हो जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? खुश रहो, बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, परसेंटेज सिर्फ एक ही टाइम तक के लिए रहते हैं, तो वही खुश रहिए आप, अच्छे आपने मेहनत की है ना, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और करियर में भी आपकी पढ़ाई ही काम आएगी ज़्यादा, तो खुश रहिए। जी बिल्कुल सही बात है, चूँकि आप माँ हैं, किस तरह से आप बिटिया की तैयारी करवाती थी या कितने पहले आप उठ जाया करती थी, क्योंकि माँ का जीवन में बहुत योगदान होता है। यह डेफिनेटली माँ का योगदान है, पेरेंट्स का योगदान भी रहता है, बट मेरी बेटी ने एक्चुअली ये सेल्फ स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रही है, स्टार्टिंग से इसने 9th क्लास तक कोई कोचिंग क्लासेस भी नहीं की, तो यहाँ थोड़ा बहुत जैसे इसका डाउट्स रहता है कुछ है तो डेफिनेटली मैं क्लियर करती थी, बट मेरा भी मेन मोटिव ये था कि आप सेल्फ स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, आपके कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और वो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग कोई दूसरा नहीं करा सकता, तो डेफिनेटली वो उसका ज़्यादा हार्डवर्क रहा है, एंड हार्ड मोर देन हार्डवर्क स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, तो वो स्मार्टली उसने पढ़ाई की है, उतना ज़्यादा जैसे 12 घंटे 14 घंटे वाली पढ़ाई उसने कभी भी नहीं की कि सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा उसके साथ। वो हाँ, कई बार वो लेट नाइट स्टडीज़ को भी बहुत प्रेफर करती थी, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तो थोड़ा कम ही था, बट हाँ स्मार्टली पढ़ती थी, कैसे पढ़ना है यूट्यूब चैनल्स भी वो फॉलो करती थी, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखती थी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता था। कोविड में कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक तरीका बदला है और एजुकेशन का एक तरीका बदला है, ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा होने लगी है और फिजिकली रूप से बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे थे क्लासेस, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी देखने मिला, लेकिन पास हो गए हैं विद्यार्थी,
क्योंकि उन्हें पास किया गया सरकार के माध्यम से। तो आप पेरेंट्स जो हैं उनकी अब भूमिका क्या हो गई है, और किस तरह से आपने जैसे अपनी बिटिया का रूटीन रखा, कभी इन्हें आपको खुद से जगाना पड़ा या खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास इन्हें रहता था? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जगहूँ, वो खुद ही उठ जाती थी। सीरियसली मतलब मुझे कभी उठ के उठाना नहीं पड़ा, वो काफ़ी सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेके। एंड डेफिनेटली कोविड के काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स रहे हैं लोगों पे, मतलब फिजिकली थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम गया है, उनके फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम हुई है, बट प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हुई है जो फोकस नहीं थे। फोकस बच्चों को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई है, इनफैक्ट उनके लिए बेनिफिट ही रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ की, तो उनको वन ऑन वन बेनिफिट्स मिले हैं, ज़्यादा फोकस कर पाए, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाए और बेटर शो कर पाए, क्योंकि काफ़ी बाकी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से वो कट ऑफ हुए, तो वो फुल्ली फोकस अपना स्टडीज़ पे वो दे पाए और एक्सप्लोर कर पाए कि हम चाहते क्या है करना। उनको टाइम मिला खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, वो बेटर उससे निकल के लोग आए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा। जाते जाते हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आगे जो सब्जेक्ट आप लेने वाली हैं कौन सा है? फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम। पीसीएम ही लेंगे, और भविष्य में आप क्या करना चाहती हैं, आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है? जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो आप क्या सोच, आपने सोचा है अपने भविष्य को लेकर? अभी तो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ जेई, एंड इंजीनियरिंग का ही सोचा है मैंने, कंप्यूटर साइंस में। बहुत अच्छी बात है। जाते जाते हमारे जितने दर्शक हैं और सीबीएसई से जितने भी अभी हाल ही में 10th और 12th के विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया है, उन सबके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? यही, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कीजिए एंड डिटर्मिनेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव योरसेल्फ। यही मेरे मंत्रास रहे कि कीप गोइंग, कि जाते चलते रहो, कहीं मतलब हर्डल्स आए तो भी चलते रहो, बिलीव इन योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और माता पिता का सहयोग और टीचर जो हमारे सबसे प्रथम गुरु होते हैं जिनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं हमें चलना चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं और उनके माता पिता जो भी हैं, वो इसी तरह लगातार अपने बच्चों को पढ़ाते रहें, मार्गदर्शित करते रहें, कहीं ना कहीं आप ज़रूरी होते हैं अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। तो हमारे साथ थी किंजल जी, जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट, संस्कारधानी का नाम भी रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। कैमरा पर्सन अमित पटेल के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।